वही हो भी रहा है, देखिए ना, तीसरा विश्व युद्ध जैसा ही है इस वक्त। रशिया यूक्रेन वॉर नहीं खत्म हो रहा है, वो वहाँ नेटो के साथ लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हमास और हिजबुल्ला और हुतीस को अपना कोई, उनके साथ उनकी कोई सिंपैथी नहीं, बल्कि एक तरह से दुश्मनी मानते हैं। इस बात का फायदा इसराइल उठा रहा है। इसराइली लीडर्स बार बार ये कहते हैं जो हिजबुल्ला है वो एक तरह से एक रेसिस्टेंस मूवमेंट है, एक्सेस ऑफ रेसिस्टेंस का पार्ट है, एक नॉन स्टेट एक्टर है। हमास में काफी कुछ नेस्तनाबूद कर दिया हमास को गाजा में। ये सिर्फ एक्चुअल वॉर जब स्टार्ट होगा तभी पता लगेगा कि कौन कितने पानी में है। अभी रिसेंटली जॉन किर्बी ने बोला कि ये इनके हित में नहीं है कि वो दूसरा फ्रंट हिजबुल्ला के साथ खोले। इस बात का फायदा इसराइल उठा रहा है। इसराइली लीडर्स बार बार ये कहते हैं कि देखिए जो हम हमास को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं इसमें सारे अरब कंट्रीज हमारे साथ, तो टेक्नोलॉजी का एक दुरुपयोग है। इसलिए सारी दुनिया ने इसको कंडेम किया है, यूएन ने भी कंडेम किया है इसको ओपनली। विश्व की जो भी पावर्स हैं जो बोल सकती हैं वो नहीं बोल पा रही है, जो कर सकती हैं वो नहीं कर पा रही है। नहीं तो युद्ध को रोकना चाहिए, होना चाहिए किसी भी तरह से, क्योंकि जिस तरह का युद्ध जिस तरफ जा रहा है वो सबके लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसराइल और हमास के बीच शुरू हुई जंग एक साल पूरा करने जा रही है, लेकिन अब यह लड़ाई रुकने की बजाय इसराइल और हिजबुल्ला की लड़ाई में तब्दील हो चुकी है, क्योंकि लेबनान के कई इलाकों के ऊपर इसराइल के जो लड़ाकू विमान है वो बमबारी कर रहे हैं। साथ ही हिजबुल्ला की तरफ से ईरान के उत्तरी इलाके के अंदर कई रॉकेट अब तक दागे जा चुके हैं। कहां पहुंच रही है लड़ाई, इसमें ब्रेक आखिर कब लगेगा, इसी मामले पर चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ हैं। एम्बेसडर अनिल त्रिगुणा जो इस इलाके को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, भारत के एक जाने माने राजनयिक रहे हैं। सर बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला .com में। और मेरा पहला सवाल इसी चीज़ को लेकर है कि ये जो लड़ाई है खत्म होने की बजाय ऐसा लग रहा है ये तो बढ़ती ही चली जा रही है, लेकिन अब जो हो रहा है यानी इसराइल और हिजबुल्ला के खिलाफ जो जंग बढ़ी है उसे आप कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं? देखिए प्रणय, इसराइल और हमास के बीच में तब से ही हिजबुल्ला हमास के सपोर्ट में छोटा लोकी अफेयर में अटैक करते रहा है बॉर्डर पे। दोनों बॉर्डर लेबनान और जो हिजबुल्ला और इसराइल के बॉर्डर से इस तरह से मिलते हैं, एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं, ये कंटिन्यूस चलता रहता है। लेकिन एक बिलो थ्रेशहोल्ड रहा, इसराइल पूरी तरह से हमास में घुसा हुआ था, उसको कम करने की कोशिश कर रहा था, हमास को डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश किया है। और उसको देखते हुए अब जाकर उनको लगा कि 80-85% तक हमास को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो अब हिजबुल्ला जो एक बड़ा खतरा था उनके लिए और उससे उनको डर भी ज्यादा है, उसको किस तरह से किया जाए, क्योंकि जो थोड़ी गोलीबारी और बमबारी चल रही है इसराइल और लेबनान के बॉर्डर में उससे करीब लगभग 70,000 लोग जो इसराइलीज हैं वो डिस्प्लेस हुए, और डोमेस्टिक डिसकंटेंट इससे और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। एक इनसिक्योरिटी इसराइल के अंदर भी बढ़ी हुई थी, तो उन्होंने उस चीज को एड्रेस करने के लिए कहा कि किस तरह हम वापस भेजें। तो अब उनकी स्ट्रेटजी में ये फर्क ये आ गया कि अभी तक तो उन्होंने देखा अपने कि उनके मेन लीडर हिजबुल्ला के फुआद शुक्र थे, उनको अभी कल परसों में वकील को मार दिया, तो उन्होंने एक तो अपनी जो चेंज किया है का पूरा स्ट्रेटजी वो ये है कि शॉक एंड ऑ एक तरह से। और लेबनान के अंदर में उन्होंने जिस तरह हालांकि एडमिट नहीं किया है, उनके राष्ट्रपति ने भी आज कहा है, लेकिन सब लोग यही कहते हैं कि उन्होंने किया होगा, तो वो जो पेजर्स और कुछ जिस तरह से वॉकी टॉकीज वगैरह जो थी लगभग 3,000 लोगों की, तो उससे वहां पर बड़ा एक, मैं समझता हूँ, एक परेशानी की हालत लेबनान के अंदर हो गई है। और उसके बाद लेबनीज जो है, सरकार अभी तक इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ये हिजबुल्ला और उसके बीच में है, लेकिन अगर किसी तरह से महत्वपूर्ण बात कही एम्बेसडर त्रिगुणायत, मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों की सुविधा के लिए जरा ये समझाएं, क्योंकि ये लेबनान की बॉर्डर के ऊपर जरूर बमबारी हो रही है, लेकिन ये इसराइल और लेबनान के बीच की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये इसराइल और हिजबुल्ला के बीच की लड़ाई, क्योंकि लेबनान के बड़े हिस्से के ऊपर हिजबुल्ला का कब्जा है। आपसे समझना चाहेंगे कितना बड़ा हिस्सा है लेबनान का जिस पर हिजबुल्ला का डोमिनेशन है या उसका पूरी तरह से कब्जा है? देखिए लगभग 50% से ज्यादा जो हिस्सा है उसमें हिजबुल्ला ने अपना पूरा कब्जा किया हुआ है, उनकी वहां पूरी आर्मी है अपनी, उनके अपने एडमिनिस्ट्रेशन वो अपने तरह चलाते हैं, लेकिन वो एक तरह से जो
लेबनान की पॉलिटी है उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो हिजबुल्ला जो है एक तरह से नॉन पॉलिटिकल एक्टर भी है और एक पॉलिटिकल एक्टर भी है हिजबुल्ला इन लेबनान। लेकिन लेबनान में ऐसा आपको मालूम है 2006 की जो लड़ाई हुई थी वो भी इसी वजह से हुई थी, हिजबुल्ला के कारण से और इसराइल के बीच में। लेकिन तब भी जो हिजबुल्ला है वो एक तरह से एक रेसिस्टेंस मूवमेंट है, एक्सेस ऑफ रेसिस्टेंस का पार्ट है, एक नॉन स्टेट एक्टर है लेकिन पॉलिटिकल एक्टर भी है साइमल्टेनियसली। वो वहां की सरकार में भी पार्टिसिपेट करते हैं और इसलिए वो दोनों तरह का रोल अदा करते हैं। तो जो इस वक्त लेबनान की सरकार है वो इसको कहती है कि हमारा डायरेक्ट कोई वॉर नहीं है, लेकिन अगर लेबनान की सीमा में इसराइल अटैक करता रहेगा या ग्राउंड इन्वेजन होता है तो लेबनान भी उसके ऊपर, लेबनान आर्मी जो है वो भी उनके साथ मिल जाएगी और फिर उसको डिफेंड करेगी अपने कंट्री को, तब वो वॉर लेबनान और इसराइल के बीच में होगा। अभी वॉर है इसराइल और हमास के बीच, हिजबुल्ला के इधर और हमास के लिए उधर साइड। तो तीसरी जो एच है ईरान की प्रॉक्सी उसमें है हुतीस जो यमन और रेड सी की तरफ से अटैक कर रहे हैं यहाँ पे। चौथा एच है वो है आपका कतैब हिजबुल्ला और इस्लामिक मिलिशियाज जो हैं इराक से, वो भी वहां से अटैक कर रहे हैं। तो सिचुएशन ये है कि इसराइल इस वक्त एम्बोल्डेंड है, वो देख रहा है कि उसने शायद हमास में काफी कुछ नेस्तनाबूद कर दिया हमास को गाजा में, तो अब वो उसके बाद में इनको भी डराना चाहता है और चाहता है कि हिजबुल्ला भी किसी तरह से हो जाए। अब लोग पूछते हैं कि इसका कारण क्या है, उसको करने से क्या लाभ होगा। एक तो अपनी सिक्योरिटी बना रहा है, दूसरा वो जो वैक्यूम है यूएस की पॉलिसीज में और जो एम्बिवेलेंस है उसका फायदा उठाना चाह रहे हैं। तीसरी चीज, क्योंकि अगर वो ईरान के साथ लड़ाई करेंगे या हिजबुल्ला के साथ लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो अमेरिका फोर्स हो जाएगा उसको सपोर्ट करने के लिए और उसका लाभ नेतान्याहू उठाना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से जो हिजबुल्ला है इसको अगर हम डेसिमेट कर देते हैं तो उनके खतरा काफी सालों के लिए टल जाए। जी सर, आप जो कह रहे हैं ये सारी प्रॉक्सीज हैं, यानी चारों एच जो हैं, चाहे हूती हो, चाहे हमास हो, चाहे हिजबुल्ला हो, चाहे कतियार हो, ये तमाम वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके पीछे माना जाता है कि ईरान का सपोर्ट है। ईरान और इसराइल के बीच में भी टेंशंस बढ़े, दोनों ने एक दूसरे पर मिसाइलें जरूर दागी, लेकिन क्या इस बात की आशंका है कि ये खुली जंग इसराइल और ईरान के बीच भी मुमकिन है, क्योंकि ये टेंशन और फ्लैश पॉइंट तो बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, अपने चांसेस तो इसी के हैं और इसी बात को सब लोग रोकना भी चाहते हैं। आप ये देखिए कि पूरी दुनिया की नजर इसी बात पे है कि किसी तरह ये वॉर इतना एस्केलेट ना हो जाए कि ईरान डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाए। कुछ लोगों का कहना है कि नेतान्याहू अपने पॉलिटिकल एंड्स की वजह से चाहते हैं कि ईरान ड्रैग हो इसके अंदर में, ताकि फिर अमेरिका बीच में आ जाए और वो बढ़ सके आगे उनकी बात। तो क्योंकि देखिए अरब कंट्रीज अभी तक खाली स्टेटमेंट्स ही दे रहे हैं, किसी ने ज्यादा बढ़कर के उसमें सपोर्ट नहीं किया है, तो नॉन स्टेट एक्टर्स ही पूरी तरह। लेकिन ईरान ने भी अपनी एक स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखाई इसके बावजूद के जो हमास के लीडर इस्माइल हनिया थे उनको मारा गया ईरान में ही, तेहरान के अंदर, स्पेशली जब नया प्रेसिडेंट तेहरान के अपना वो चेकिंग किया उसके इमीडिएटली बाद, तो इससे डायरेक्ट और उनकी एम्बेसी पे भी दमस्कस में अटैक किया। उसके बाद में भी उन्होंने जो है हमने देखा है कि बड़ा एक मेजर्ड रिस्पॉन्स रहा ईरान का। अब इसलिए कि एक शक ये भी होता है इस बात से कि जो बहुत सी कैपेसिटीज के बारे में लोग डिस्कस करते हैं कि भाई हिजबुल्ला के पास इतने हजारों रॉकेट्स हैं उसके पास है, तो आप ये देखिए कि दोनों के बीच में कितनी समानताएं, कितनी विषमताएं, कितना बराबरी है ये पता नहीं है किसी को अभी। ये सिर्फ एक्चुअल वॉर जब स्टार्ट होगा तभी पता लगेगा कि कौन कितने पानी में है। लेकिन सर ये सवाल बार बार खड़ा हो रहा है कि आखिर वो ब्रेक क्यों नहीं लग पा रहा है जिसकी कोशिश और कवायदें तो नजर आती हैं, यानी अमेरिका के विदेश मंत्री 7 से ज्यादा बार तेल अवीव जा चुके हैं, पूरे इलाके में कई बार चक्कर लगा चुके हैं। क्या वाकई में अमेरिका रोकना चाहता है ये जंग या वो रोक नहीं पा रहा है, कहाँ कहीं इंटेंशन है नहीं है या एफर्ट नहीं है या इंटेंशन और एफर्ट के बावजूद ये हो नहीं रहा है? एक बात यह है कि अमेरिका इस वक्त जो है एक लेम्ड अप प्रेसिडेंट है अमेरिका में इस वक्त, उनके यहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं, वो भी वहाँ पे भी अरब पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो काफ़ी शुरू से ही अमेरिका ने ये बात कही है इसराइल को कि ये लड़ाई या तो ग्राउंड में जाके जिस तरह उन्होंने किया ग्राउंड इन्वेजन हमास का, उसके अगेंस्ट भी बाइडन ने खुद नेतान्याहू को ये बात बताई। अभी रिसेंटली जॉन किर्बी ने बोला कि ये इनके हित में नहीं है कि वो दूसरा फ्रंट हिजबुल्ला के साथ खोले और इसराइल, लेकिन उसके बावजूद भी
अपना सेफ्टी करना चाहता है, अपने आप को सेफ कॉरिडोर, तो मैं ये समझता हूँ कि चाहे ये एक मिथ्या भ्रम ही है उनके लिए, लेकिन वो इसको पूरा करना चाहते हैं। रोकने के लिए हमने देख लिया कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन तक हुआ है, सारी दुनिया ने स्टेटमेंट्स के बाद स्टेटमेंट्स दिए हैं, लेकिन उस सबका असर इसराइल के ऊपर नहीं हो रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी कहा है, आपके यूनि देखिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उसके खिलाफ वारंट की बात करी है, तो कोई भी करने के बाद सर दोनों लड़ाइयां, चाहे इसराइल हमास की लड़ाई हो या रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई हो, ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल जो ब्रेक लगाने वाला मैकेनिज्म था, जो यूएन जैसी संस्था है, वो नाकाम हुई है और इंक्रीजिंगली इसको लेकर शिकायत बढ़ती चली जा रही है। भारत तो लगातार ये कह रहा है कि ये जो मैकेनिज्म है ये आउटडेटेड हो चुके हैं, अब ये इनइफेक्टिव नजर आ रहे हैं। देखिए ये तो मैं कह ही रहा हूँ, मैं यही कहने वाला था कि इस वक्त में डिफाइंस जो है, जो सो कॉल्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की है, वो एक बड़ा कॉमन प्लेस सी बात हो गई है। हम देख रहे हैं उसको हर एक कंट्री, अभी ये इसराइल एक मिडिल पावर है, बड़ी पावर्स तो कर ही रही है, चाहे वो रशिया हो, चाहे यूएस, चाहे ना, ये लोग करते ही हैं। लेकिन उसके बाद आज की डेट में छोटे छोटे कंट्रीज भी जो है इंटरनेशनल लॉ को, इंटरनेशनल ऑर्डर को डिफाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब सीधा सा है कि जो इंटरनेशनल संस्थाएं हैं, यूएन हो या और कोई, तो वो सब बिल्कुल नाकामयाब है इसमें, और उनकी रेलिवेंस है। यही बात जो है प्रधानमंत्री मोदी ने भी कही कि अगर ये रिफॉर्म नहीं करता, अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो इरेलीवेंट हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस। तो मेरा सर आम जिंदगी की के उदाहरणों से समझें तो अगर कानून और व्यवस्था नहीं होती है, पुलिस एजेंसीज अगर अपना काम न करें, तो लोग कानून को अपने हाथ में रहने लग जाते हैं। अगर यही व्यवस्था रही तो फिर तो हम तीसरे विश्वयुद्ध की तरफ बढ़ जाएंगे, क्योंकि हर कोई देश अपने हिसाब से चीजों को सेटल करने लग जाएगा। वही हो भी रहा है, देखिए ना, तीसरा विश्वयुद्ध जैसा ही है इस वक्त। रशिया यूक्रेन वॉर नहीं खत्म हो रहा है, वो वहां नेटो के साथ लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, इधर पूरे वेस्टर्न एशिया के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर में पूरे में वॉर होने की संभावना है, और इधर चाइना और ताइवान की बात हो रही है, उधर आप नॉर्थ कोरिया के साथ बात कर, तो ये तो खतरे तो हर जगह हैं, और एक तरफ होगा तो वो सारा स्पार्क पूरे रीजन में आ जाएगा, तो थर्ड वर्ल्ड वॉर बाय अदर मींस तो है ही है। लेकिन सर ये जो वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट है, अगर हम भारत के लिहाज से देखें तो भारत के इमीडिएट चैलेंजेस क्या हैं इस लड़ाई को लेकर? देखिए भारत के सबसे बड़ा चैलेंज है कि भारत चाहता है कि वहां पर स्टेबिलिटी बनी रहे, सिक्योरिटी बनी रहे। उसका सबसे बड़ा कारण एक ये है, तो रीजनल पीस चाहता ही है भारत, ये भी चाहता है कि टू स्टेट सोल्यूशन हो, पैलेस्टाइन और इसराइल साइड बाई साइड। लेकिन उस सब के बावजूद आप देखिए एनर्जी सिक्योरिटी जो है हमारी, उस पर हम 70-80% वहाँ पे डिपेंडेंट है। हमारे 9.5 मिलियन इंडियंस वहाँ रहते हैं, जो लगभग 40-50 मिलियन डॉलर भारत को भेजते हैं फॉरेन एक्सचेंज के रूप में। उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस वक्त आना शुरू हुआ है, हमारे और सब रीजनल कोऑपरेशन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं बहुत सारे। उसके अलावा सी लेंस ऑफ कम्युनिकेशन देखिए, मैरीटाइम ट्रैफिक देखिए, सारा ट्रेड जो है इधर से बाबल बंदर और इन सब से होकर के जाता है, तो भारत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ लड़ाई होती है और ये सारी चीज इम्पैक्ट होती हैं, तो डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी होगा। सर हम तो फिर भी दूर हैं, लेकिन अरब देशों का आपने जिक्र किया कि केवल बयान इशू किए जा रहे हैं। ये अरब देश जो हैं, जो कि सो कॉल्ड ओआईसी जैसा ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, उसके अंदर शामिल हैं, लेकिन फिलिस्तीन के मुद्दे के ऊपर इनकी तरफ से कुछ क्यों नहीं किया गया अभी तक, अगर ये लड़ाई रोकना वो वाकई में चाहते हैं तो? देखिए एक चीज तो ये है कि जहां तक पैलेस्टाइन का प्रिंसिपल मुद्दा है, उसमें तो वो लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन एक तरह की पैलेस्टीनियन फटीग आ गई है, क्योंकि ये बात 75 साल 100 साल हो गए हैं इस बात को होते, कई लड़ाइयां हो चुकी हैं, बार बार ये इसराइल हमास वॉर होता रहा है। दूसरी चीज, जहां तक अरब कंट्रीज की बात अगर आप कहें, तो वो लोग ये हमास और हिजबुल्ला और हुतीस को अपना कोई, उनके साथ उनकी कोई सिंपैथी नहीं, बल्कि एक तरह से दुश्मनी मानते हैं। तो ईरान के, ये है ईरान की प्रॉक्सीज, तो उनके लिए अगर ये डेसिमेट होती हैं, ये कम हो जाती है इनकी स्ट्रेंथ, तो उनके लिए भी ठीक है एक तरह से। इस बात का फायदा इसराइल उठा रहा है, इजरायली लीडर्स बार बार ये कहते हैं कि देखिए जो हम हमास को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इसमें सारे अरब कंट्रीज हमारे साथ हैं। ओपनली कोई नहीं कह रहा है, बट इसलिए वो उनके खुल के नहीं आ रहे हैं। बट लेकिन पैलेस्टीनियन कॉज में फिर से जो है वो पब्लिक कॉन्शियस में आ गया है, अरब वर्ल्ड की अरब स्ट्रीट रिचार्ज हो गई है। तो मेरा मानना यह है कि किसी ना किसी हद तक हमास का जो अटैक था, उसके जो एक ही फायदा वो ये है कि जो पैलेस्टीन इशू है वो दोबारा से सर मैं वापस लौटता हूँ लेबनान के मुद्दे के ऊपर। आपने जिस ऑपरेशन का जिक्र किया, वो पेजर अटैक, वो जो बैटरी डिवाइसेस के अंदर हुए धमाके हैं, शॉक एंड ऑ जो है, ये लड़ाई के डायनेमिक के लिहाज से, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिहाज से और
यहां तक लोग कह रहे हैं कि ये हो सकता है कि सिविल एविएशन के तौर तरीकों को बदल दे। ये कितनी बड़ी घटना है? नहीं, ये बहुत बड़ी घटना है और ये बहुत खतरनाक घटना है। आप देखिए कि आपके हाथ में सबके पास एक मोबाइल फोन होता है, सबके पास एक लैपटॉप होता है, पेजर वेजर तो बहुत कम लोग यूज करते हैं, वॉकी टॉकी भी कुछ होता है। तो अगर आप ये सोचिए इस तरह से होना शुरू होगा तो ये आप कहीं पे भी सेफ नहीं, ना पब्लिक प्लेसेस में, ना सिविल स्पेसेस में, ना ऑफिसेस में, ना एयरक्राफ्ट में, तो कहीं पे भी आप इसको ब्लास्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी का एक दुरुपयोग है, इसलिए सारी दुनिया ने इसको कंडेम किया है, यूएन ने भी कंडेम किया है इसको ओपनली। तो ये लेकिन इसराइल ने, जैसा आप जानते हैं, कल ही उनके प्रेसिडेंट बोले हैं, उन्होंने कहा कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, हमें नहीं पता है। तो जब लेकिन इस तरह के ऑपरेशन में तो हमेशा डिनायबिलिटी रखी ही जाती है सर। लेकिन सर जी, बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन सर अगर ये टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है तो क्या इस बात की गारंटी या अश्योरेंस हो सकता है कि ये टेक्नोलॉजी केवल स्टेट्स के ही हाथ में रहेगी या नॉन स्टेट एक्टर्स के पास में नहीं पहुंचेगी? देखिए, नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वो टेक्नोलॉजी के अडॉप्शन में स्टेट से बहुत आगे हैं। अब इसराइल नेचुरली है कि बड़ा, उसका एक बड़ा एडवांटेज है कि वो क्रिटिकल जो टेक्नोलॉजीज हैं इस तरह की, स्पेशली डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज, उसकी भी बड़ी मास्टरी है इसराइल के अंदर और उसका बड़ा पूरा फायदा उठाता है। और ये जाहिर हो गया सबको, उसकी इंटेलिजेंस और उसकी टेक्नोलॉजी दोनों के जरिए वो ये सब वार जीत पा रहा है या क्रिएट कर रहा है एक तरह का पैनिक लेबनान के अंदर आज की डेट में। तो मैं ये समझता हूँ कि ये किसी के भी हाथ में कहीं भी पड़ सकती है, क्योंकि कंपनीज बनाती हैं, बाद में वो कंपनी दूसरे को दे देती हैं। लेकिन आप ये देखिए कि पेजर्स का जो चैनल है वो बड़ा अजीब तरह का रहा, ताइवान का कंपनी इन्वॉल्व है, हंगरी कंपनी इन्वॉल्व है, नॉर्वेजियन कंपनी इन्वॉल्व है। तो इस तरह से ये जो इनडायरेक्ट वे में ये किया गया और कहाँ किया गया, जी बिल्कुल। लेकिन इस सब के बावजूद के इसराइल कर पाया, तो ये एक तरह का मैं समझता हूँ कि अगर वो एम्बेड कर पाए हर जगह और पूरे अरब वर्ल्ड में, पूरे लेबनान में, इधर उधर सब जगह, उनकी इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग है, तभी तो वो पिन पॉइंटेड अटैक कर पाते हैं। पहले मैं उस ओवरआर्चिंग सवाल पर आता हूँ कि क्या दुनिया इंतजार कर रही है अमेरिका में नए राष्ट्रपति के चुनाव का, कि वो चुनाव हो जाए, अमेरिका की नीतियां कुछ साफ हो जाए और उसके बाद ही जो ब्रेक लगाने के मैकेनिज्म्स हैं, और तब तक इसराइल चाह रहा है कि मैक्सिमम डेप्थ जो है वो हासिल कर ली जाए, जो जो थ्रेट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज कर लिया जाए? देखिए, दुनिया किसका इंतजार कर रही है मुझे नहीं पता, मुझे भी तो यही लगता है कि जैसे एक तरह की पूरा का पूरा विश्व की जो भी पावर्स हैं, जो बोल सकती हैं वो नहीं बोल पा रही, जो कर सकती हैं वो नहीं कर पा रही हैं। नहीं तो युद्ध को रोकना चाहिए, होना चाहिए किसी भी तरह से, क्योंकि जिस तरह का युद्ध जिस तरफ जा रहा है वो सबके लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब अमेरिकन प्रेसिडेंट मान लीजिए है कि ट्रंप आ जाते हैं, तो ट्रंप के आने पे आप एक रशिया यूक्रेन वॉर हो सकता है जल्दी रुक जाए, लेकिन ये इसराइल हमास वॉर को रुकना मैं नहीं समझता हो पाएगा, क्योंकि उनका तो सपोर्ट है नेतान्याहू को। रही बात अगर कमला हैरिस आती हैं तो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की जो करंट पॉलिसी है वही चलती रहेगी, और जब तक वहां पर ज्यूश लॉबी इतनी स्ट्रांग है कि कोई भी प्रेसिडेंट आए, वहां की डीप स्टेट इतनी स्ट्रांग है कोई भी प्रेसिडेंट आए वो जो पॉलिसी बनाना चाहते हैं उसी को चलाते हैं। तो अगर उनकी पॉलिसी ये है कि हमें इसराइल को पूरी तरह सपोर्ट करना है, इसराइल की सिक्योरिटी उनका प्राइम कंसर्न है, तो मैं नहीं समझता कि बहुत बड़ा चेंज आ पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर ये तमाम पर्सपेक्टिव हमारे साथ साझा करने के लिए। और एम्बेसडर त्रिगुनायत बता रहे थे कि इस पूरे मामले के अंदर ब्रेक लगना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं वो नाकाम हो रही हैं, और यही वजह है कि भारत लगातार इस मामले को उठा रहा है और कह रहा है कि अब वक्त है कि इन वैश्विक संस्थाओं में बदलाव किए जाएं, ताकि वो वक्त जरूरत के अनुसार तैयार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।